हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। और मैं हूँ पंकज। देखिए, हमारी CITS कोपा के ट्रेड के जो आपके MCQs हैं उसकी सीरीज़ कंटिन्यू है। जो CITS इंट्रेंस 2020 होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सारे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपके लिए वो पॉइंट्स लेके आए हैं जो आपके क्वेश्चंस लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें हम एक्सटेंशंस के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा एक्सटेंशन किसके लिए यूज़ किया जाता है। हो सकता है आपके एक्सटेंशन दे दिए जाए, आपसे पूछा जाए कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, या हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बैच के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा जावा फाइल को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है, बाइनरी फाइल को यूज़ करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है, PHP फाइल को यूज़ करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है, वर्ड पैड की फाइल्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे वर्ड पैड होता है, एक्सेल होता है, उसकी फाइल्स को सेव करने के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल पे भी क्लिक कर दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले वीडियोस के होंगे वो सारे आपके पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम शुरू करने वाले हैं एक्सटेंशंस, यानी जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो आने वाले क्वेश्चंस में आपके आते रहते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे आ चुके हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लगभग 20 से 30 एक्सटेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली आस्क्ड एक्सटेंशन है। जैसे यहाँ पे बात करें तो AB के, देखो ऑटो ब्रेक होता है। ऑटो ब्रेक किस में होते हैं, ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जैसे ऑटो ब्रेक। तो ऑटो ब्रेक के लिए यहाँ पे जब यूज़ किया जाता है तो ABK, ठीक है, ऑटो। और याद करना है तो बहुत आसानी है, याद रखना कोई भी एक्सटेंशन अगर शुरू हो रहा है तो उसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से ही वो शुरू होगा, वर्ड पे नहीं शुरू होता है, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे शुरू होता है। जैसे अगर आपने एक्सेल का देखा होगा, अगर यहाँ पे हम दिखाएं आपको, एक्सेल का आपको मिलेगा, हाँ, मैड एक्सेस, एक्सेल डेटाबेस, रन टाइम, बहुत सारे मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे अगर एक्सेल चार्ट का होता है या एक्सेल का होता है, तो एक्सेल तो ई से शुरू होता है, लेकिन इसका शुरू किससे होना चाहिए, XCL। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक्स आता है पहले, क्या आता है, एक्स। तो इसीलिए इसका जो एक्सटेंशन होता है वो किससे शुरू होता है, एक्सेल। तो याद रखना इसके जो आपके प्रोनाउंसिएशन होते हैं ये वर्ड पे नहीं शुरू होते हैं, बल्कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे की जा रही है इस पे शुरू होते हैं, ठीक है। एक्सेल चार्ट है तो इसकी एक्सटेंशन कैसे शुरू होती है, XLC, जो हमारे एक्सेल चार्ट होते हैं। एक्सेल क्या है, यहाँ पे देखिए एक्सेल हमारा कि वो क्या हो गया, एक्सेल की सीट है, और सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट को। तो समझिए ये बहुत आसानी हो जाएंगे सारे, हम एक बार देख लेते हैं, जल्दी से रिवीजन करा देते हैं आपका, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। देखिए मैं पेंसिल ले लेता हूँ, हाँ। तो ऑटो ब्रेक, ऑटो ब्रेक के लिए यहाँ पे .ABK यूज़ किया जाएगा। एनिमेटेड कर्सर, एनिमेटेड, तो एनिमेटेड के लिए ANI, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर है ANSI टेस्ट, जो ANSI टेस्ट होता है, ANSI टेक्स्ट एक तरीके से हमारा बाइनरी कोड ही होता है, इसको खोलते हैं ANS में, ठीक है, ANSI कोड। ASCII टेक्स्ट फाइल, जो ASCII टेक्स्ट फाइल होता है इसके 3 वर्ड्स ASC, ASK, ASK में याद रखिए। एक्टिव सर्वर पेज जिसे हम बोलते हैं ASP, देखिए एक .NET होता है, .NET प्रोग्रामिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में हमें .NET प्रोवाइड कराता है ASP, ठीक है। तो ASP के अंदर हम देखते हैं .ASP, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी कि ASP की जो फाइलें होती हैं वो सोर्स फाइलें वो सेव की जाती हैं .ASP में। ABI, आपने मूवी देखी, मूवी के जो फॉर्मेट्स आते हैं वो किस में होते हैं, ABI मूवीज़ में। फिर है बैच, बैच क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग के ही पार्ट हैं, तो बैच जो भी फाइल सेव होती हैं वो किस से सेव होती हैं, .BAT, बैट से। बाइनरी फाइल्स किस से शुरू होती हैं, BI, ये L नहीं है, बाइनरी फाइल है सारे। और याद रखना पहले इंपॉर्टेंट यही बात है कि जितने भी आपके एक्सटेंशन होते हैं मोस्टली सारे कैपिटल में होते हैं। आपने कहीं पे अगर देखा होगा, जैसे अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसमें या तो स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे स्मॉल होंगे या फिर सारे के सारे कैपिटल होंगे, ठीक है, याद रखिएगा बात, या तो सारे के सारे कैपिटल होंगे या सारे के सारे स्मॉल होंगे, मिक्स नहीं हो सकते हैं कि पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ऐसा नहीं होता। फिर बाइनरी फाइल के लिए BI, बिट मैप के लिए, आपका बिट मैप के लिए BMP, बिट मैप MP। कैलेंडर, कैलेंडर के लिए आपकी कौन सी एक्सटेंशन यूज की जाती है, .cell, CAL, मतलब कैल कह सकते हो उसे, कैलेंडर। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कोई भी अगर फाइल कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में आती है तो उस फाइल का रिसोर्स जो होता है .CEFG, यानी कि कॉन्फ़िग,
कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू याद की जाती है या सेव की जाती है। क्लिपबोर्ड फाइल, तो क्लिपबोर्ड के लिए CLP क्लिप सीधे आपका आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है C++ की जो प्रोग्रामिंग होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, आप बताएं हमें, CPP क्या होता है, .cpp। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा होता है हमारे पास, CPP, ठीक है। कास्कडिंग स्टाइल सेट, जो HTML में हमारे पास CSS होता है उसकी हम किस से, हमारा जो रिसोर्स फाइल होता है सोर्स फाइल, उसको हम .css से सेव करते हैं और उसको क्या करते हैं अपनी HTML फाइल में जोड़ देते हैं, एंटर कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं। फिर डेटा, डेटा अगर सिंपल से अगर पूछा जाए कि डेटा की फाइल बनानी है हमें, तो डेटा की जो एक्सटेंशन होता है सिर्फ DAT बनाते हैं, ठीक है। डिक्शनरी, डिक्शनरी की क्या हो जाएगी हमारे पास, DIC डिक। डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट स्प्रेडशीट, अब देखिए डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट स्प्रेडशीट क्या होती है, यहाँ पे डेटा को आप क्या कहते हैं उसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं, यहाँ पे एडिटिंग कम करते हैं फॉर्मेट को चेंज करते हैं। जैसे हम बात करें आपके फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप में जो आपके एक्सटेंशन होता है वो क्या होगा, DIF, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट स्प्रेडशीट। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, तो आपने देखा होगा बहुत सारी आपके बताता है ये DLL फॉर्म, DLL का फंक्शन आप में नहीं है तो कोई आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो जो DLL फाइल होती हैं ये डेटा आपकी कौन सी होती हैं, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामर ही सेट करते हैं इन फाइल्स को। फिर है डॉक्यूमेंट फाइल्स, जो ऑफिस 2003 तक जो चलती थी उसको कहते थे डॉक, फिर उसके बाद 2007 से 2010 के बीच में इसको डॉक्स कहने लगे। अब ये डॉक्स कैसे हो गई, डॉक जो पहले थी 1997 से 2000 में, क्योंकि इसमें केवल हम जो हमारे नोटपैड थे या केवल हम वर्क कर सकते थे टाइपिंग का, फॉर्मेटिंग का बस। लेकिन 2007 से 10 के बाद हम क्या करने लगे, इसको डॉक्स क्यों कहने लगे, क्योंकि इसका फिर सर्वर से कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया, इसके लिए इसमें एक्स ऐड हो गया, ये वाला जो एक्स आप देख रहे हो, ये वाला एक्स ऐड हो गया बिकॉज, क्योंकि ये अब सर्वर से भी कनेक्ट हो सकती हैं। तभी आप देखते हो MS जो एक्सेस होता है उससे डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है, जैसे हम होम डेटाबेस कहते हैं। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, इसको बोलते हैं डॉट, मतलब डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। डॉट पर इंचेस ग्राफिक्स, कोई अगर ग्राफिक्स मापा जाता है, जैसे मैंने क्वेश्चन से पढ़ाए थे आपको कि जो आपका प्रिंटर होता है उसकी मेजरमेंट किससे होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो याद रखना डॉट पर इंचेस होती है, मतलब एक इंचेस में कितने डॉट्स हैं। तो ग्राफिक्स मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा एक्सटेंशन होता है, .dpi, .dpi यानी डॉट्स पर इंचेस। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या शॉर्ट फॉर्म होती है या एक्सटेंशन क्या होता है, EML, ईमेल। एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब होता है ऐसी फाइल्स जो सीधे बाइनरी कोडस में आपको दे रखी होती है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, मशीन कोड होती है अंदर। अगर आप उसको देख सकते हो बहुत आसानी से, क्या करना होगा आपको, उस मशीन कोड पे या आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उस पे जाओ और उसको ड्रैग करके आपने एक आपका सॉफ्टवेयर आता है XML का, ठीक है, XML का या Subtimal का, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी अंदर जो सॉफ्टवेयर में कोड लिखा गया वो आपको शो कर देंगे। 01 फॉर्म में देखना चाहते हैं 01 फॉर्म में दिखा देंगे, HTML फॉर्म में देखना चाहते हैं HTML फॉर्म में दिखा देंगे, जैसे फॉर्म में आप देखना चाहते हैं वहाँ पे आप दिखा सकते हैं ये, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव फाइल के लिए क्या होता है, .exe। फॉर्टन जो लैंग्वेज होती है, फॉर्टन सबसे पहली लैंग्वेज फॉर्टन थी, तो फॉर्टन के लिए यूज़ किया जाता है FOR, फॉर। नेक्स्ट ऐसे ही सारे हम क्विकली कंप्लीट कर लेते हैं फॉर्टन के लिए और HTML के लिए। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसमें जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज कराने के लिए बच्चों को क्वेश्चन दोनों ही देता है या फिर आपसे इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा लेकिन कंफ्यूज करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट विथ HTML कोडिंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है HTML जो हम लगाते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है अगर कोई डॉक्यूमेंट HTML में लिखा गया है, HTML में लिखा गया है तो उसको बोलेंगे हम .html एक्सटेंशन लगाएंगे या खुद लग जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल नेम, यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है खुद से जो फाइल तैयार होती है उसमें .htm ही लगता है केवल। अब आप देखिए, जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ, आपने कोई टाइप किया टेक्स्ट पे या टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक पे किया, वर्ड पेड पे किया, टाइप किया, उसके बाद आप जब सेव करते हो ना उसको वेब ब्राउज़र में रन कराने के लिए, तो आप सेव करते हो .html। इसका मतलब होता है वो रन सेव हो गया है विद द HTML कोडिंग के साथ। लेकिन कुछ आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्क करते हैं केवल आपके HTML फाइल्स पे ही, यानी उसमें HTML की कोडिंग ही लिखी जाती है, तो जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है .htm। तो अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझाऊँ, .html हमारा यूज़ किया जाता है बाय द यूज़र, यानी कि जो उसे लिख रहा है, और .htm ये लिखा जाता है बाय द कंप्यूटर, खुद लिख देता है इसको, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट JPG फॉर्मेट जो होता है उसके लिए GIF, ये अब देखिए यहाँ पे GIF क्या होता है, GIF, और JPG बिटमैप। यहाँ पे जो JPEG इमेज फॉर्मेट होता है उसके लिए जिफ आता है, लेकिन JPEG बिट मैप जो होता है फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इनके लिए होता है .gepg। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। लाइब्रेरी के लिए .liv लाइब्रेरी, जैसे किसी की भी लाइब्रेरी हो, चाहे C++ प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी हो, चाहे फिर आपके किसी सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट ने जो फॉर्म होते हैं उनको, उन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, डेटाबेस के फॉर्म होते हैं ये, उनकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी .maf। फिर यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्यूरी, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस MA, इसका M ले लिया, सॉरी इसका हमने M ले लिया, इसका ए ले लिया और इसका क्यू ले लिया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्यूरी का MAQ, इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आर का MAR क्या हो जाएगा MA, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल का MAT, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर मशीन, ये आपका क्या है मैकिंटॉश। अब ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर मैकिंटॉश, इसमें उल्टा किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए MC लिया गया है, बाकी इसके लिए लिया गया है मैकिंटॉश के लिए W, ठीक है। MS Access डेटाबेस, MS Access का जो डेटाबेस 2003 का था उसके लिए यूज़ करते थे MDB, MS Access डेटाबेस, DB मीन्स होता है डेटाबेस। MS Access 2007 के बाद जो डेटाबेस आया उसमें यूज़ किया .accdb, accdb क्या है एक्सेस, और DB मतलब डेटाबेस। MS Access डेटाबेस एग्जीक्यूटिव के लिए यूज़ किया ACC मतलब एक्सेस, और डेटा एग्जीक्यूटिव यानी डेटाबेस का जो एग्जीक्यूटिव है उसके लिए डेटा एग्जीक्यूटिव। टेम्पलेट के लिए DT टेम्पलेट। अब MS एक्सेस डेटाबेस रन टाइम, उसके लिए भी हम ACCDT ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सारे ये इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे आप मूवी को चलाते हैं तो मूवी के लिए जो होता है मूवी का फॉर्मेट, वैसे अदर जो प्लेयर्स होते हैं जैसे BLC प्लेयर हो गया उसका अलग होता है एक्सटेंशन, MKB प्लेयर हो गया उसका अलग होता है, वो प्लेयर्स के होते हैं। लेकिन अगर किसी मूवी का होता है तो वो होता है .mov, ठीक है। MPEG लेयर थर्ड कंप्रेस्ड ऑडियो, अभी अगर शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है या आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है MP3 की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, तो MP3 की फुल फॉर्म क्या होती है MPEG लेयर थर्ड कंप्रेस्ड वीडियो। ऐसे ही MPEG की पूछी जाती है MPEG मूवी और एनिमेशन फाइल। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट में पेंट जो होता है उसके लिए MSP। OLE ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी OLV। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बिट मैप, जिसे हम कहते हैं PNG, PNG फॉर्म में सेव करना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक बिट मैप। PPS पावर पॉइंट स्लाइड शो, जो PPS पहले बनते थे। अब PPT क्या होता है, देखिए स्लाइड शो के लिए हम S लगाते हैं, अगर आपने स्लाइड शो बनाए बहुत सारे और उसमें स्लाइड शो का यूज़ किया है, ठीक है, अगर आपने मैक्रो का यूज़ किया तो अलग बनता है, अगर स्लाइड शो बनाया है तो अलग बनता है, और प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसके अलग बनता है, तो अभी हम PPT कहते हैं PPT बना के लाओ, इसका मतलब आप प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो। अगर PPS कहते हैं तो इसका मतलब है आप स्लाइड शो बनाने जा रहे हो, ठीक है। और अगर आप मैक्रो, अब ये पावर पॉइंट में मैक्रो होते हैं, मैक्रो का मतलब होता है ऐसा काम जो आपने सेव कर लिया और उसको बिना काम किए फिर से लाना चाहते हैं, तो वो मैक्रोज में भी बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद में फिर देखेंगे कभी। तो मैक्रोज के लिए PPTM होता है। पावर पॉइंट टेम्पलेट, तो POT, अब POT एक सब्जेक्ट होता है CITS में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है POT, अगर POT पास नहीं करते हो आप तब तो सिंपल से फेल है। पहले आपको पता होना चाहिए CITS जो था केवल POT ही सब्जेक्ट कराता था, वो भी 6 महीने का,
उसके बाद ये देखा गया कि जो टीचर्स आ रहे हैं उसमें लैक ऑफ नॉलेज है उनके सब्जेक्ट की भी, तो बाद में और सब्जेक्ट जोड़े गए, तो POT पढ़ाया गया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में। तो यहाँ पे पावर पॉइंट टेम्पलेट के लिए क्या है, POT। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, अब देखो ये और थोड़े इम्पोर्टेंट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के लिए QRY, सिस्टम फाइल के लिए SYS, विंडोज़ ZS बुक के लिए WAB, साउंड फाइल के लिए वेब, वेब फाइल्स होती हैं जो वो साउंड फाइल्स होती हैं, जैसे एक्सेल चार्ट के लिए XLC, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बैकअप के लिए, बैकअप के लिए यहाँ पे देख लीजिए, बैकअप के लिए याद करें BC, यहाँ पे केबल बैकअप नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बैकअप है तो उसके लिए यूज़ करते हैं XLK। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का माइक्रो है तो उसके लिए XLM, वर्कशीट है तो XLS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेम्पलेट है तो XLT टेम्पलेट, कंप्रेस्ड फाइल है जिसे हम जिप बोलते हैं या रार फाइल बोलते हैं, आपने देखा होगा इसे रार फाइल में ओपन करना है या जिप फाइल में ओपन करना है, ठीक है। तो आई होप ये सारे आप देख लीजिएगा, इसकी PDF जो है आपको हमारे नीचे एक चैनल दे रखा है, चैनल के साथ साथ वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ उसे आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारी PDF ये अवेलेबल हैं और भी PDFs आपको डेली मिलती रहती हैं, ठीक है। तो आई होप आपके चैनल पसंद आया होगा और साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।